नमस्कार बच्चों, आप देखें क्वेश्चन नंबर 10 एग्जांपल 3। सिग्मा एन बराबर 2 की पावर इन्फिनिटी 1/n लॉग एन की पावर पी की कन्वर्जेंस देखनी है कि कन्वर्जेंट होता है अगर पी इज ग्रेटर देन 1 है, डाइवर्जेंट होता है इफ पी इज लेस देन वो इक्वल टू 1। तो हमने इसी सीरीज को क्या मान लिया, एफ एन हो गया ए एन से मल्टीप्लाई कर दिया, एन को कन्वर्ट कर लिया ए एन के अंदर। अब ये डिवाइड है, ठीक है, ए एन आ गए, लोग ए एन आ गए, पी आ गए, ये मल्टीप्लाई किया है तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये इसमें कन्वर्ट हो गए। अब ये देखें सिग्मा, चूंकि लोग ए पी ये कांस्टेंट राशि है, इसको इससे साथ कंपेयर करें, देखें पी की वैल्यू क्या है, अगर ग्रेटर देन है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। सिमिलरली ये आपका क्वेश्चन है, एच टी जो है जो सो एग्जाम्पल 4th में है, 3rd में है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फ्लोइंग सीरीज, ये देखें आप, ये सीरीज दे रखी है आपकी, हमने यू वन बढ़ाई, यू वन बढ़ा दी 2 की पावर 2, 4 की पावर 2 ये, और 2n की पावर 2 होगी, ये 3, 5, 7 है तो 2n+1 होगा, 2 है तो 2 कर दिया, इसको हमने यू वन को यू वन प्लस वन में कन्वर्ट कर लिया, देखते जाइए, और दोनों को डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद में ये आ गया, कटने वाले कट गई, ये आ गई, ये हो गया, ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई करिए, एक्सपेंड कीजिए इसको, देखें ये एक्सपेंड हो गया, ये चल दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आ जाए तो 1 + 1/n प्लस गामा एन की पावर पी, मतलब ये चीज़ ये क्या है, 1 λ/n + ON² मतलब ओ एन का स्क्वेयर मीन्स है कि एन स्क्वेयर एन थ्री जो भी पावर्स हैं वो आ जाएंगे, और यहाँ क्या आ गया लेमडा, ये एक है, ये लेमडा इजक्ल टू 1 आ गया, तो फिर क्या हो गई, यहाँ एल बराबर है 1, लेमडा इजक्ल टू 1 है, अतः गास प्रेशन दी हुई श्रेणी अपसारी हो जाएगी, तो लेमडा इजक्ल टू 1 है तो अपन क्या होगा, अपसारी हो जाएगी सीधी। अब इसी प्रकार की एग्जाम्पल देखें, ए बाई बी दिस, चलते जाएँ, इसको हम यू वन बनाएं, देखिए ये यू वन बन गई, दिस इज दिस, यू एन प्लस बना दीजिए इसको, इसमें कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है, जो कटती हैं राशियाँ वो काट दीजिए, रहने वाली रह जाएंगी, ये आगे इसको एक्सपेंड कीजिए, 1 + x^-1 के तरह ही आपको एक्सपेंशन करना है, ये एक्सपेंशन होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए और ये आ गया, किससे आ गया, ये वो चीज़ आ गई, दिस इज इक्वल टू 1 λ/n + 0 या ओ एन स्क्वेयर, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया, b - a, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल 2 है तो डाइवर्जेंट आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ें, ये एक्सरसाइज में कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ये 2003 के अंदर आया हुआ, ये करके देखें और एग्जांपल नंबर 4th भी आप निकाल के देखें। अब अल्टरनेट सीरीज है, ये अल्टरनेट का मतलब है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव राशि, ठीक है, ये होता है। अब इसके अंदर कन्वर्जेंट होगी, कैसे करेंगे कन्वर्जेंस ज्ञात करने के लिए, यू वन को ऑलवेज ग्रेटर देन यू वन प्लस वन होनी चाहिए कंडीशन, और लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी यू एन इजक्ल टू 0 हो तो हमारी सीरीज क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ये अल्टरनेट सीरीज की पहचान है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि दी हुई सीरीज जो अल्टरनेट है उनको सभी टर्म्स को हम पॉजिटिव बनाएं। अब ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, जबकि हालांकि ये अपने यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है, ये देखें 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 यू एन क्या बन गया, दिस 1/n, तो हम आपका लेबनिज टेस्ट पढ़ेंगे, तो लेबनिज टेस्ट क्या कह रहा है, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी यू एन इजक्ल टू 0, ओके, और इसी के प्रकार यू एन इजक्ल टू 1/n है और यू एन प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/n+1, तो ये आप देखेंगे कि 1/n है इज ग्रेटर देन एन प्लस 1, तो ये लेबनिज टेस्ट की प्रत्येक चीज़ को सेटिस्फाई करता है, अतः दिए हुआ क्वेश्चन से हमें प्रतीत होता है कि क्या है, दिस इज ए कन्वर्जेंट, ठीक है। इसी प्रकार ये देखें आप, क्वेश्चन सोल्व करें, मैंने कुछ हिंट भी दिए हैं इसमें, चलते जाएं आप सोल्व कर लेंगे आराम से। अब क्वेश्चन नंबर ये देखें आप, एक ये देख यू एन है, ये बन गया यू एन प्लस, ये बन गया यू एन इज ग्रेटर देन यू एन प्लस 1 आ गया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कीजिए, 1/√n क्या हो जाएगा, 0, तो हमारी क्या होगी सीरीज, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल 2 है, ये आप निकाल के देखें कि अल्टरनेट सीरीज में जब भी क्वेश्चन आता है तो यही आता है अक्सर। इसमें कंडीशन है पी इज ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, ठीक।
ठीक है, चलते जाएं आप। p इज इक्वल टू जीरो हो तो क्या कंडीशंस आएंगी, ये देखें आप, अल्टरनेट है। p इज लेस देन जीरो हो तो ये क्या कंडीशंस आएंगी, चलते जाएं आप, दो लेमान हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करके देखना, और इसके अंदर भी ये एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व कर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है परीक्षा पॉइंट में।